नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्लम्बर एक्सपर्ट राव साहब में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तो छत के ऊपर खड़ा हूँ, पानी की जो टंकी है उसके पास। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़रूरी बात है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ही मैं छत पर चढ़ा हूँ, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता सकूँ कि हमारे पास ये ऑलरेडी टंकी है सिंटेक्स कंपनी की, जो मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि 1500 लीटर की जो टंकी है उसकी 2 इंची फिटिंग मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाई थी आप लोगों को। तो उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास ये सिंटेक्स कंपनी की जो है वो हमने यहाँ रख रखी है, और ये इसका जो है हमने गैस पाइप लगा रखा है 2 इंची का। कई दोस्त हमारे बोल देते हैं 2 इंची लग नहीं रहा, तो दोस्तों ये जो हाथ में पाइप का पता चल जाता है कितना मोटा पाइप है, इससे पता चलता है कि ये 2 इंची की ही फिटिंग है। और ये वाल आप देख सकते हैं 2 इंची का वाल है, नहीं तो ये 1 इंची का है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, छोटा सा हैंडल इसका, बड़ा हैंडल है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये 2 इंची की ही फिटिंग है। उसके बाद हमने गैस पाइप लगाया, उसके बाद हम लोगों ने वाल लगाया। वाल हमने एक लगा दिया मेन, ताकि कभी पूरे पानी को बंद करना पड़े तो हम पूरे पानी को बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैं मेन जो बात मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ वो ये बातें हैं कि टंकी पर जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो हम अलग अलग वाल देते हैं। कई बार मकान मालिक बोलते हैं कि 4 वाल अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ही वाल से काम चला लेंगे, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम 2 इंची का वाल अगर हम ऊपर से बंद कर दें तो हम उस चीज़ को यानी कि रिपेयर, यानी नीचे जैसे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि कोई टैप है जो वो ख़राब हो गई और पानी चलता रहता है, तो कई बार मकान मालिक बोलते हैं कि हम 2 इंची का ही वाल बंद कर देंगे, और जब हमारा पूरा मकान का पानी बंद होगा तो हम जल्दी से उस टैप को ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों वो अपने अपने मकान मालिक की अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा आइडिया है, मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि ये जैसे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम है पीछे का, ये ग्राउंड फ्लोर का हमारा फ्रंट का बाथरूम है, ये हमारा जैसे फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम है, और वो हमारा जो है किचन का पानी है, किचन का वाल है। तो ये हम लोगों ने 4 वाल लगा रखे हैं। अब इनको अलग अलग लगाने का फ़ायदा क्या है? इनको अलग अलग लगाने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि जैसे हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का पीछे का बाथरूम है, उसमें अगर कोई टैप खराब होगी, मान के चलो हमारे 4 वाल ओपन है, अगर मान के चलो पीछे का जो ग्राउंड फ्लोर पे जो कोई भी बाथरूम है उसमें एक कोई टैप खराब होगी, कोई हेल्थ फोसेट का एंगल वाल है या कोई टैप है, बाय कुछ भी हो, यानी कि वो खराब हो गई, तो उसके लिए हम ऊपर आकर छत पर एक वाल को बंद कर सकते हैं, बाकी हमारे 2 बाथरूम और एक किचन चालू रह सकते हैं। अब हम मान के चलें हमारा कोई फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम है, उसकी जो टैप है उसकी कोई ख़राब होगी, कोई पॉइंट चालू रह गया तो पानी चलता रहता है, तो पूरे मकान का पानी नहीं बंद कर सकते हम, क्योंकि पूरे मकान में हो सकता है जिस टाइम पर मकान मालिक को प्लम्बर की ज़रूरत हो उस समय पर प्लम्बर अवेलेबल ना हो, और प्लम्बर को आने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी है वो टाइम लग सकता है। तो उसके लिए हम अगर छत पर टंकी के पास अगर अलग अलग वाल लगा देंगे तो हमें पूरे मकान का पानी बंद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मेरी आप लोगों से यही इस वीडियो के माध्यम से मैं सजेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है मेरी आपसे कि टंकी पर जब कभी भी आप काम करें तो आप टंकी पर हर एक बाथरूम का और किचन का, जितने भी आपके जैसे टोटल 4 बाथरूम 2 किचन या 2 बाथरूम 1 किचन या 1 बाथरूम 1 किचन जैसे भी हों, तो आप अलग अलग उनका वाल दें, ताकि अगर किसी भी बाथरूम में किचन में प्रॉब्लम आ जाए तो उसी चीज़ का वाल बंद करें और उसका आप 2 घंटे 4 घंटे में सोल्यूशन करवा के, ताकि और जो पानी है वो बंद ना हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बताई हुई ये एडवाइस
अच्छी लगी होगी और मेरी ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन दोस्तों लाइक का बटन जो है उसे जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मुझे ये एहसास होता रहता है कि मैंने जो वीडियो बनाई है वो कितने लोगों को पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और बेल के बटन को जरूर प्रेस कर देना। और जो मैंने आप लोगों को बताई है कि 2 इंच की फिटिंग जो मैंने लाइव प्रूफ करके दिखाई थी, उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, धन्यवाद।